हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आई होप इंजॉय कर रहे होंगे घर पे टाइम को फैमिली के साथ, साथ साथ पढ़ाई भी पूरी अच्छे से चल रही होगी। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो हेयर आई एम एक नए वीडियो के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए। इस लेक्चर में हम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 42 तक, जो कि CA प्लस CS दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CA वालों के लिए 4 to 8 मार्क्स एंड CS वालों के लिए 8 to 10 मार्क्स दे सकता है एग्जाम में। तो आई होप इसको आप अच्छे से देखेंगे, इंजॉय करेंगे, समझेंगे और डाउट्स आएंगे तो आप डाउट्स भी पूछेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे मैंने आपको अभी क्या कहा है, आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 23 के साथ। हाँ, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये सीरीज ऑफ सेक्शन है किसकी, पहले तो ये समझते हैं। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, प्रोस्पेक्टस जिसके थ्रू हम अलॉट करेंगे पब्लिक को सिक्योरिटीज, हाँ, और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वही शेयर टू पब्लिक। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आई होप आप इसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और ध्यान देंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट, हम इसको डीप में देखेंगे। अभी इनिशियल लेवल पे आप डाउट्स मत लाइएगा जब तक आप पूरे लेक्चर को नहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है पब्लिक कंपनी, हाँ, अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज। ठीक है, वो सिक्योरिटीज इशू कर सकती है कैसे? थ्रू प्रोस्पेक्टस इशू करके, हाँ, एक डॉक्यूमेंट जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, रिगार्डिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, अभी हम वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार नॉर्मल समझिएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करके नॉर्मल पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करना, आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, हाँ, मतलब हम पब्लिक एट लार्ज नहीं जा रहे, हम अपने कुछ लोगों को ही दे रहे हैं, प्राइवेटली प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, शेयर्स अपने कंपनी के, समझ आई बात? कह रहा थ्रू ए राइट इशू। राइट इशू मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास, हाँ, उन्हीं को एक राइट दे रहे हैं कि हमारी कंपनी के ओवर शेयर परचेज कर लीजिए एट द लोअर प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, उससे लोअर प्राइस में, या फिर बोनस इशू, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट वाले शेयर इशू कर देना। ठीक है, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये बात की हमने पब्लिक कंपनी की। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं सबसेक्शन 2 में प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, तो उसमें 3 एस्पेक्ट्स पढ़े हमने पब्लिक कंपनी में, तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू और बोनस शेयर्स। ठीक है, यानी प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम पब्लिक को पैसा तो नहीं ले सकते ना, इशू नहीं कर सकते ना शेयर से। आपको याद है प्रोहिबिशन, हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में थर्ड पॉइंट में यही पढ़ा था, प्रोहिबिशन टू इशू शेयर्स टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, आप पब्लिक को पैसा, पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 23। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सेक्शन 23 क्या चाहता है, क्या बता रहा है, समझ आई बात? चले आगे, पक्का चलिएगा। तो सेक्शन 24 की बात कर रहा है। अभी 23 24 सिर्फ एक बेसिक सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डीप में अभी धीरे 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 इस लेक्चर के साथ साथ चलते रहेंगे हम। ठीक है, तो कह रहा है सेक्शन 24 पावर ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब नाम में ही सिक्योरिटीज है, तो रिलेटेड टू सिक्योरिटीज उनका काम रहा होगा। कह रहा है तो पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। सेबी कैसे रेगुलेट करेगी, नए इशू या पुराने का ट्रांसफर? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ऑफ सिक्योरिटीज। तो सुनिएगा, कह रहा है इशू एंड ट्रांसफर प्लस नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पुराने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया है, तो ये दोनों मैटर्स, हाँ, उस लिस्टेड कंपनी के लिए या फिर वो कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड होने की कगार पे है, यानी अपनी सारी चीजें कंप्लायंस कर चुकी है, यानी इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड, हाँ, तो उनको से भी रेगुलेट करता है। ठीक है, और अदर केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, समझ आई बात? बहुत बेसिक, बहुत सिंपल बात, लिस्टेड कंपनी और कंपनी इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड उनको से भी करेगा रेगुलेट, किस किस मामले में? इशू प्लस ट्रांसफर प्लस पेमेंट नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के केस में, आई बात समझ में? सेक्शन 24 इतनी सी बात करता है, बहुत सिंपल टर्म्स में बात कर रहा है, बहुत सिंपल टर्म्स में,
ठीक है, मैंने आपको एक पिक्टोरियल व्यू, चार्ट व्यू दे दिया है, चार्ट व्यू दे दिया है, आप इसको अच्छे से एक बार रीड करेंगे तो आपको ये माइंड में रखने के बाद चीजें बेटर क्लियर हो जाएंगी। हाँ, वी आर ऑन ए वर्ज की हम एक छोटी सी चीज से बड़ी चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, अभी हमने बहुत अच्छे से इसको एक समझना चाहा, आप इसको प्लीज अच्छे से जब रीड करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज बैठ जाएगी। ठीक है, चले आगे, पक्की बात है, चलिएगा। तो सेक्शन 23 और 24 हमने देखा अभी, ठीक है, हम चल रहे हैं 25 पे, बट उससे पहले प्रोस्पेक्टस को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? अ प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब कर रहा है, हाँ, डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इश्यू एज ए प्रोस्पेक्टस, दैट इज, अभी कोई वो मेन बात नहीं की अभी तक हमने, एंड इंक्लूड्स, उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड हो गए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, हाँ, जो 32 में हम पढ़ेंगे, या फिर शेफ प्रोस्पेक्टस, हाँ, जो 31 में पढ़ेंगे, ठीक है, और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, मेन बात यहां से है, इनवाइट, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, या ऑफर टू इनवाइट, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, सीधी सी बात, ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट, हाँ, ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसपे रेड हेरिंग भी आ जाएगा, शेफ भी आ जाएगा, 31, 32 की बात, ठीक है, जिसके थ्रू हम पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं कि आइए हमारी कंपनी के शेयर्स को, सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, समझ आई बात, पक्की बात है, एक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू पब्लिक, पब्लिक को पता चलेगा, ठीक है, पब्लिक को पता चलेगा किस चीज के लिए ऑफर है, कितना पैसा जाना है, कितना पैसा लगाना है, किस किस टाइम पे, एप्लीकेशन पे कितना पैसा देना है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है, शेयर का प्राइस क्या रहने वाला है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट रेड हेरिंग, एक्सेप्ट रेड हेरिंग 32 में हम देखेंगे अभी, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। समझ आई बात, आई बात पक्का, तो चलिएगा सेक्शन 25 पे आते हैं। सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड मतलब है नहीं पर लग रहा है नहीं पर लग रहा है, डीम्ड मतलब है नहीं पर लग रहा है, मतलब सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस अलग क्यों है, ये मेन प्रोस्पेक्टस नहीं है, हा? पर उसकी चीजें इसमें हमें माननी पड़ेगी, ठीक है सर, ये क्यों होता है, ये उसके लिए है जो कंपनी इश्यूइंग कंपनी जो सिक्योरिटी इश्यू कर रही है, हाँ, वो कॉम्प्लायंस में नहीं पढ़ना चाहती सेबी के लिए, ठीक है, और स्टिल स्टिल पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, हाँ, शेयर इश्यू करके, ठीक है, तो वो इश्यूइंग हाउस से कांटेक्ट करती है, एक थर्ड पार्टी, थर्ड इश्यूइंग कंपनी, ठीक है, उसे बोलते हैं इश्यूइंग हाउस, उससे बात करती है और वो आगे पब्लिक को पैसा, हाँ, पब्लिक से पैसा लेती है, मतलब शेयर इश्यू करती है, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम इश्यूइंग इश्यूइंग हाउस से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल रहे हैं, हाँ, यानी एट द एंड उस कंपनी के बिहाफ पे, जो इश्यूइंग कंपनी है उसके बिहाफ पे सिक्योरिटीज इश्यू हो रही है टू पब्लिक थ्रू इश्यूइंग हाउस, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट के थ्रू हो रही है उसे हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। आई बात, ये प्रोस्पेक्टस नहीं है पर डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, हाँ, कंप्लायंस से बचने के लिए, जो हैवी कंप्लायंस है उनसे बचने के लिए है ये, ठीक है, कह रहा है कंपनी अलोस और एग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटी विद ए व्यू टू ऑफर सिक्योरिटीज फॉर सेल टू पब्लिक, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर ऑफ सेल टू पब्लिक इज मेड, पब्लिक के पास इशूइंग हाउस की थ्रू जो जा रहा है, ठीक है, एक्चुअली में वो प्रोस्पेक्टस तो है नहीं क्योंकि इशूइंग कंपनी नहीं दे रही है, इशूइंग कंपनी नहीं दे रही है, कौन दे रहा है, इशूइंग हाउस दे रहा है, जो एक थर्ड पार्टी है, यानी एक कह सकते हैं इंटरमीडिएटरी है, मीडिएटर है, किसमें, इशूइंग कंपनी और पब्लिक के बीच में, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कर रही है वो होता है हमारा डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है, बट सर उसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा, हमें सेबी की कंप्लायंस को फुलफिल नहीं करना, बट उसकी चीजें जो प्रोस्पेक्टस की चीजें हैं वो इस पे एप्लीकेबल रहती है, कह रहा है ऑल इनैक्टमेंट्स एंड रूल्स रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स रहेंगे, ठीक है, जो उसकी लायबिलिटी रहेगी मिसस्टेटमेंट की, ओमिशन की, कुछ मेजर फैक्ट के लिए, वो इस डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे भी एप्लीकेबल होगी। आई बात समझ में, इतनी समझ आई, आगे चले, कह रहा है कुछ कंडीशन फॉर डॉक्यूमेंट टू बी
कॉल्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस, एक डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन। कह रहा है इफ कंपनी अलॉट और ऑफर्स, ठीक है, इफ कंपनी अलॉट कर रही है या फिर ऑफर कर रही है विद इन 6 months ऑफ द एग्रीमेंट, हाँ इशूइंग हाउस से जो एग्रीमेंट हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर इश्यू हो रहा है पब्लिक को, तो हम मान लेंगे कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस के थ्रू हो रहा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कह रहा है और दूसरी कंडीशन, कंडीशन क्या कह रही है, कंसिडरेशन इज नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी, उस ऑफर से पहले पब्लिक से पैसा नहीं आना चाहिए, पब्लिक से पैसा नहीं आना चाहिए, समझ आई बात? ठीक है, समझ आई, चलिएगा। तो कुछ डिस्क्लोजर्स होंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस के, तो उस डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिस्क्लोजर जाएंगे, कह रहा है नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, कितनी हमें उस इश्यू से कंसिडरेशन मिली है या मिलने वाली है, वो सारी बातें, प्लस टाइम एंड प्लेस फॉर विच, टाइम एंड प्लेस एट विच कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं पब्लिक के साथ वो इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं। कह रहा है टाइम एंड प्लेस एट विच कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इंस्पेक्टेड, ठीक है, वो भी उसमें हम मेंशन करके चलेंगे, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा हमें डीम्ड प्रोस्पेक्टस में। तो आई होप आपको डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्लियर हुआ होगा, समझ आई बात, सेक्शन 25 में समझ आई, चलेगा। कह रहा है मैटर्स इन प्रोस्पेक्टस एंड उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या प्रोस्पेक्टस में हमें इंफॉर्मेशन देने हैं और उसको इश्यू करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या रहने वाली हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स, हाँ कंप्लायंस वर्क, ठीक है, प्लस प्रोस्पेक्टस में इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स 3 इंक्लूजन्स रहेंगे, एक जनरल इंफॉर्मेशन, दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तीसरा स्टैच्यूटरी इंफॉर्मेशन, जनरल फाइनेंशियल स्टैच्यूटरी, जनरल फाइनेंशियल स्टैच्यूटरी, ठीक है, GFS, गर्लफ्रेंड्स, 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 आपकी शोना बेबी, आपकी शोना बेबी जितनी भी हैं, गर्लफ्रेंड GFS, ठीक है, चले आगे। कह रहा जनरल इंफॉर्मेशन, हाँ उसमें क्या क्या जाएगा सुनिएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ RO, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, हाँ कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का नाम और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। कह रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CS, ऑडिटर, अंडरराइटर, हाँ सबका नाम और उनके एड्रेसेस भी जाएंगे। कह रहे डेट ऑफ इश्यू, किस तारीख को हम इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल फॉर अलॉटमेंट, हाँ पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, ठीक है, और उसका टाइम, टाइम क्या रखा है हमने, टाइम मतलब पीरियड, डेट, ठीक है, कब तक हम अलॉट कर देंगे, हाँ ऑफर से लेकर अलॉटमेंट तक का पीरियड, हाँ टाइम शेड्यूल, ठीक है। कह रहा स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंसेंट, हाँ कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी इश्यू कर रही है और उनकी कंसेंट, हाँ इससे हम रजामंद है, सहमत है, हाँ हम ही, हमारी ही कंपनी इश्यू कर रही है, कोई फेक ट्रांजेक्शंस नहीं होने वाली है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट एंड प्रेजेंट बिजनेस एंड लोकेशन, मतलब कंपनी के MOA का ऑब्जेक्ट क्लोज, हाँ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, हाँ पैसा किस चीज के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है, क्या कंपनी बिजनेस ऑलरेडी कर रही है और कहाँ का लोकेशंस पे कर रही है, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा इशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर देंगे कि इसमें इतना रिस्क होने वाला है, मैनेजमेंट परसेप्शन कि मैनेजमेंट क्या सोचती है इसके बारे में, और डेडलाइन क्या है कि इतने टाइम में पीरियड में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, समझ आई बात पक्का। तो जनरल इंफॉर्मेशन में बहुत बेसिक डिटेल्स, ठीक है, चले आगे, चलिएगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नाम सुनते ही माइंड में PNL, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऐसी कुछ बातें आती होंगी, ठीक है, तो वैसा ही कुछ। कह रहा है ऑडिटर रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एसेट एंड लाइबिलिटीज, बेसिकली बोल दीजिए बैलेंस शीट, ठीक है, एक ऑडिटर रिपोर्ट जाएगी किससे रिलेटेड, PNL एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड, यानी एसेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, और ऑडिटर रिपोर्ट ऑन PNL फॉर 5 years इंक्लूडिंग सब्सिडरी, पिछले 5 साल की PNL पे भी ऑडिटर रिपोर्ट जाएगी, और कोई सब्सिडरी है हमारी तो उसको इंक्लूड करने के बाद, ठीक है, ठीक है, समझ आए, समझ आए। तो कह रहा है ऑडिटर रिपोर्ट भाई एसेट एंड लाइबिलिटीज के लिए भी जाएगी, तो सीधा सी बात हम एक बार कहते हैं PNL और बैलेंस शीट इस साल का, प्रीवियस 5 साल का भी, ठीक है, सब्सिडरीज को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ठीक है। कह रहा है यूजेज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज, हाँ साथ में एक इंफॉर्मेशन ये देंगे कि हम पैसा किस चीज के लिए यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट ऑन बिजनेस और ट्रांजेक्शन, एक रिपोर्ट जाएगी, हाँ बिजनेस और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कि इस चीज के लिए पैसा हमारा यूज होने वाला है, ये बिजनेस होने वाला है, ठीक है, और कुछ अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी पास कर देंगे,
ठीक है समझ आई। तो हमने जनरल देख लिया, फाइनेंशियल देख लिया, समझ आ रहा होगा आपको आई होप। ठीक है, तो चलिएगा स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन कह रहा है डेक्लरेशन रिगार्डिंग कंप्लायंस। ठीक है, एक डेक्लरेटरी कंसेंट लेटर जाएगा कि हाँ जी हमने कंप्लायंस पूरी की है, हाँ हम सिक्योरिटीज इश्यू कर तो रहे हैं पर हमने कंप्लायंस पूरी की है कंपनीज एक्ट की। ठीक है, सिकरा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, हाँ सेबी सेबी की और कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो वो भी हमने पूरे कर दिए हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, जीएफएस। ठीक है, कंपनीज एक्ट, सिक्रा, सीबी और अदर रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, चले आगे, पक्का चले चलेगा। कह रहा लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या रहने वाली हैं। ठीक है, हाँ कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए एक्सेप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, इनके लिए एक्सेप्शन है। कह रहा राइट इश्यू आप कर रहे हैं टू एग्जिस्टिंग होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर को, इंटरनली कर रहे हो, हाँ अपने ऑलरेडी को, ऑलरेडी जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको कर रहे हो तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर इन ऑल रिस्पेक्ट इट इज यूनिफॉर्म विद प्रीवियस, आपने इस बार जो इश्यू ला रहे हो आप एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर और पिछला जो लाए थे आप, दोनों में बिल्कुल डिट्टो सेम सिमिलैरिटीज है, कुछ अलग नहीं है, कंडीशन कुछ चेंज नहीं है तो आपको कोई दोबारा से चीजें करने की कोई जरूरत है नहीं, पिछले वाली को ही हम अज्यूम करके चलेंगे कि वो फुलफिल्ड है। ठीक है, तो और क्या क्या, डेट आप लिखेंगे प्रोस्पेक्टस डेट शैल बी ऑफ पब्लिकेशन, जिस दिन वो पब्लिकेट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस में डेट तब की आएगी। कह रहे डिलीवरी आरओसी को हम देंगे क्या प्रोस्पेक्टस विद साइन ऑफ एवरी पर्सन डायरेक्टर और अटॉर्नीज। ठीक है, आरओसी को दे देंगे। प्रोस्पेक्टस में क्या मेंशन करेंगे, स्टेट इन प्रोस्पेक्टस क्या है, That copy sent to ROC with the consent of all person. इन सब की consent के साथ ROC को copy जा चुकी है, ये prospectus में डालना पड़ेगा। कह रहा time limit, ठीक है, prospectus to be issued to public within 90 days from the delivery to ROC. ROC के जाने के 90 दिन के अंदर, हाँ 90 दिन के अंदर prospectus public को issue हो जाना चाहिए। ठीक है, public के पास भी prospectus चला जाना चाहिए, एक्सपर्ट की कंसेंट भी लेनी जरूरी है, सी ए सी एस इंजीनियर सी डब्ल्यू ए और वैल्यूअर जिस रिगार्डिंग हम पैसा ले रहे हैं जिसमें जाके जरूरत पड़ेगी, सी ए सी एस की तो आपको पता पड़ती है, तो इन सब की कंसेंट लेटर्स भी चाहिए फॉर प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगर कुछ गलत किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी बढ़िया वाली, कंपनी के ऊपर 50,000 से 3 लाख तक की ऑफिसर को जेल हो सकती है 3 साल की और पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, पक्का आई होप समझ आया होगा आपको, चले आगे, पक्का चलिएगा आगे चलते हैं, नहीं इसको चलिएगा आगे चलते हैं। सेक्शन 27 कह रहा है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जो आपने चीजें बताई हैं प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो बताया जिसके लिए आप पैसा यूज करने वाले हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, हम आपको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कह रहा है लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, शेल नॉट वेरी अनलेस। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वेरी नहीं करने चाहिए अनलेस जब तक ये काम ना हो जाए, यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो जाए। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है एसआर पास होना चाहिए जीएम में, हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन इसकी कंसेंट के लिए जनरल मीटिंग में पास करवाओ तो ही आप कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है दूसरा नोटिस ऑफ वेरिएशन, हाँ जो वेरिएशन कर रहे हैं आप, हाँ जो पास हो चुका है एसआर जीएम में, ठीक है, उसके साथ एक जस्टिफिकेशन दो, दो न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, एक तो लोकल लैंग्वेज में एक इंग्लिश लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज जहां आरओ सिचुएटेड है उसके पास, ठीक है, उसी के लोकल लैंग्वेज में दो न्यूज़पेपर में नोटिस दो कि देखिए हमने जीएम की उसमें एसआर पास करा दिया, अब हम जाके प्रोस्पेक्टस के टर्म्स को ऑब्जेक्ट्स को कुछ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो पैसा आपने लिया है वो आप इस चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहा है रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ मनी, हाँ बाइंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, उस पैसे से पब्लिक के पैसे से आप किसी और कंपनी के शेयर्स बाय या सेल नहीं कर सकते या ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, बाय या ट्रेड नहीं कर सकते। लास्ट बट इंपॉर्टेंट बात क्या कहना चाह रहा है सुनिएगा, कह रहा है आप इनिशियल में जो आपने प्रोस्पेक्टस में बातें बताई थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बताए थे उसमें आप वेरिएशन ला रहे हो, चलो ओके है, बट उस वेरिएशन से कुछ लोग हैं कुछ पब्लिक है जो नहीं एग्री हो रही, ठीक है, तो उन्हें एग्जिट ऑफर दे दीजिए कि कोई बात नहीं सर आप एग्री नहीं है आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। कह रहा है एग्जिट ऑफर मस्ट बी गिवन टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स विद एग्जिट प्राइस, एक वैलिड प्राइस के साथ, एग्जिट प्राइस के साथ उन्हें बोलिए सर इट्स ओके अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं तो ना सॉरी सर आपके पैसे आपको मिल जाएंगे।
ओके है, जैसे नॉर्मल डीलिंग करते हो ना बाजार में वैसे चले। तो एक रूल 7 क्या कह रहा है, जो एसआर पास होगा ना वो पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। पोस्टल बैलेट, सर पोस्टल बैलेट में बड़ा सस्पेंस ला रखा है, हाँ जी ला रखा है, जनरल मीटिंग्स के साथ ही पढ़ेंगे इसको। बढ़िया से बढ़िया से ये समझ लीजिए एसआर पास हो रहा है, एक, एक, एक तरीका है हाँ वोट लेने का, बस सिंपल सी बात है। रोडीज देखा है, रोडीज हाँ रोडीज उसमें होता है वोटिंग, ठीक है, बैटल ग्राउंड समझ लो बस। हिंट, इफ मनी रेज्ड एंड हैज अनयूटिलाइज्ड, ठीक है, मेकिंग दीज वेरिएशन, ठीक है, क्या कह रहा है, अगर आप कब वेरिएशन ला रहे हैं, जब आपने पैसा रेज किया, ठीक है, बट वो पूरा पैसा यूज नहीं हो पाया है, अभी भी आपके पास सफिशियंट बचा है, तो आप वेरिएशन कीजिए, ठीक है, उस प्रपोज्ड एसआर जो आप पास करना चाहते हैं उसके लिए पीएएस 1 में नोटिस दीजिए, ठीक है, नोटिस ऑफ जीएम प्लेस्ड ऑन वेबसाइट एज वेल, ठीक। अब जीएम कंडक्ट कराने के लिए कह रहा है ये, जहां पे जैसे हमारी जीएम कंडक्ट हुई और उसमें एसआर पास हो ना, तो उस जीएम कंडक्ट कराने के लिए कह रहा है, आपको जीएम कंडक्ट क्यों करानी है, जनरल मीटिंग, ठीक है, उसके लिए नोटिस देना है और वेबसाइट पर डालना है। क्या कह रहा है, कह रहा है आप जीएम कंडक्ट क्यों करना चाहते हैं, यानी वेरिएशन क्यों करना चाहते हैं, कि लेट से आपने 100 रुपए पब्लिक से लिया था, एक प्रोजेक्ट था ए करने के लिए, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट ए भी कर दिया, प्लस 100 रुपए यूटिलाइज नहीं हुए, 80 रुपीज यूटिलाइज हुए, ठीक है। नाउ आप उस 20 को यूटिलाइज करना चाहते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, यानी जो प्रोस्पेक्टस में आपने नहीं लिखा है, ठीक है, तो वेरिएशन ला रहे हैं आप, ठीक है, तो पीएएस 1 में उसका नोटिस दीजिए और वेबसाइट पे भी डाल दीजिए कंपनी की वो नोटिस कि हम जीएम कंडक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, टू मेंबर्स के लिए, ठीक है, चलेगा। सेक्शन 28, ठीक है, क्या कह रहा है, ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स, ठीक है, ऑफर ऑफ सेल की बात कर रहा है, ऑफर ऑफ सेल OFS, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, सर्टेन मेंबर्स, यानी सुनिएगा, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, या हो सकता है प्रमोटर्स हो हमारी कंपनी के, ठीक है, हाँ, और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो उनके लिए है ये काम। सेक्शन 28 क्या कह रहा है, हम डाइल्यूट कर रहे हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, हाँ, प्रमोटर्स अपने शेयर बेचना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब प्रमोटर हाँ क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे या फिर पब्लिक एट लार्ज में वही एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे, नहीं ना, ऑफर फॉर सेल का काम करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आईपीओ और एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर से डिफरेंस है, एज इन दिस केस शेयर आर ऑफलोडेड बाय अर्लियर अलॉटीज, हाँ ये वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर है, वो ऑफलोड कर रहे हैं, मतलब बेचना चाह रहे हैं, हाँ कंपनी नहीं कर रही है, हाँ कंपनी नहीं कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हाँ वो कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए अब आप एक बात होता है, कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, नहीं हो रही है, ऑब्वियसली पुरानी जितनी कैपिटल है वो उतनी ही है। पर्सन इशू एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल कॉल्ड ऑफर फॉर सेल, अब वो लोग हाँ जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू बेच रहे हैं उसे हम बोल देंगे ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, समझ आई बात, कह रहा है इट इज इन कंसल्टेशन विद बीओडी, ठीक है, ये OFS पीओडी की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनको बता देना कि यार हम बेच रहे हैं, समझ आई बात, सच OFS इज डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस, ये भी एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस की तरह ही रहेगा फिर तो, ठीक है, सारी चीजें फिर रूल्स एंड लाइबिलिटीज जो भी होती है प्रोस्पेक्टस की वो इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है, बट अगर उस पर्सन ने कंपनी का कुछ एक्सपेंस कराया है इस ऑफर फॉर सेल के लिए या अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए, तो वही पर्सन रिइंबर्स भी कर देगा, ठीक है, वो इस पॉइंट पे वही लिखी गई है बात, ठीक है, समझ आया सेक्शन 28 पक्का, बहुत सिंपल टर्म्स मैंने इसको डिफाइन कर दिया आपके लिए। ठीक है, समझ आए पॉइंटर्स, हाँ वही ना, हमने तोड़ दिया सेक्शन को, पॉइंटर्स बना दिए छोटे 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 छोटे, जिससे आपको समझने में शायद इजी लगा होगा, चलें आगे, चलिएगा। सेक्शन 29 बहुत ही वाहिया सा सेक्शन, सिंपल एक वर्ड कह रहा है बस, सिंपल सी बात कह रहा है, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैट, डीमैट हाँ आप फिजिकल शेयर इशू नहीं कर सकते, बात आपको ही पता है, तो कह रहे हैं मैंडेटरी डीमैट फॉर सिक्योरिटीज ऑफ एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है तो डीमैट फॉर्म में इशू करेगी, बस सिंपल सी बात है, ये कहता है सेक्शन नंबर 29, समझ आई बात पक्का, चलिए तो अब सेक्शन 30 पे आ जाते हैं, कह रहा है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, कह रहा है फॉलोइंग शैल बी स्पेसिफाइड इन एडवर्टीजमेंट, क्या क्या एडवर्टीजमेंट में बताना है, हाँ सेल 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 जैसे लगती है ना, हाँ आज बिग बिलियन डे सेल, हाँ आज ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, वैसे ही एडवर्टीजमेंट होंगी, कह रहा है कंटेंट्स ऑफ इट्स मेमोरेंडम एज रिगार्ड टू ऑब्जेक्ट,
लाइबिलिटी ऑफ मेंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। हाँ, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डाल रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, कि भाई मेमोरेंडम के कंटेंट सारे डाल दिए, ये कंपनी के कंटेंट्स हैं मेमोरेंडम के, ठीक है, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है मेंबर्स की, ठीक है, और अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी शेयर कैपिटल ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, ऑथराइज और इश्यूड और सब कुछ, ठीक है। कह रहा है नेम्स ऑफ सिग्नेटरीज यानी एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लोज की बात कर रहा है, एंड नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम, उनके साथ में हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है, जिस जिसको शेयर अलॉट किया है स्टार्टिंग में उनके नंबर ऑफ शेयर साथ में, ठीक है, और कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, सब कुछ हम सब मेंशन करके चलेंगे एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। चलिए 23 से 30 आई होप आपको एक बार समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल से सेक्शन अभी तक हमने किए, ठीक है, 31 और 32 बहुत अच्छे सेक्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलें आगे, चलिए सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस। हाँ, शेल्फ मतलब एक पर्टिकुलर लाइफ के लिए, शेल्फ मींस लाइफ या वैलिडिटी, टाइम पीरियड ऑफ वैलिडिटी, मतलब इतने टाइम के लिए ये चीज वैलिड रहेगी, हाँ, वैसा भी प्रोस्पेक्टस कह रहा है, ये उसके लिए सुटेबल है जो कंपनी एक साल में मल्टीपल इश्यूज लाना चाहती है, सुटेबल फॉर कंपनी ब्रिंगिंग मोर देन वन पब्लिक इश्यू इन ए करंट ईयर, एक सिंगल ईयर में एक से ज्यादा इश्यूज लाना चाहती है, तो बार बार प्रोस्पेक्टस ना इश्यू करके एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस हम इश्यू कर सकते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। चलिए आगे, तो कह रहा है वैलिड, कह रहा है वैलिड फॉर वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, ठीक है, डेट ऑफ इश्यू से एक साल तक वैलिड रहेगा, यानी फर्स्ट ऑफर से एक साल के अंदर हम जितने भी ऑफर लेंगे ये वैलिड रहेगा, और जब भी हम फर्स्ट ऑफर लेंगे हम इसको आरओसी को फाइल कर देंगे, एक बार आरओसी को फाइल करके चलेंगे, ठीक है, चलेगा। तो सर ये किस लिए होता है, कह रहा है ये फैसिलिटेट करता है फास्टर फर्दर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, बार 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 प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की कॉम्प्लायंस को ना करना पड़े, इसलिए जल्दी से एफपीओ आ जाएंगे, इसलिए हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कंपनी नीड नॉट टू इश्यू न्यू प्रोस्पेक्टस फॉर ऑल इश्यूज इन वन ईयर, वही बात, हर एक साल के अंदर दोबारा इश्यू ना करना पड़े हमें प्रोस्पेक्टस, इसलिए, ठीक है। अगर एक बार बताओ, लेट्स से हमने फर्स्ट ऑफर लिया शेयर प्रोस्पेक्टस के थ्रू, सेकंड ऑफर में फर्स्ट ऑफर से कुछ चेंजेस हैं, तो क्या करेंगे सर, फिर तो हम एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम साथ इश्यू कर देंगे जिसमें हम उस वेरिएशन को बता देंगे, ठीक है। कह रहा है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देन नीड टू बी इंटीमेटेड टू पब्लिक थ्रू आईएम, आईएम इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एक अलग डॉक्यूमेंट बना देंगे, इसका नाम देंगे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो जो चीजें चेंजेस आए हैं हमें हम उसको फाइल करके चल देंगे आईएम के थ्रू, ठीक है। कह रहा है इफ एप्लीकेंट विड्रॉज एप्लीकेशन आफ्टर चेंज, अगर चेंज से भाई डिसेंटिंग शेयर होल्डर, तो उनका 15 दिन में हम उनको पैसा रिटर्न कर देंगे, पक्का समझ आई बात। तो शेयर प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 इंपॉर्टेंट, आई होप समझ आ गया होगा आपको, पक्का। चले आगे, एक बार देखना चाहें तो इसको प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, देन हम फर्दर आगे चल रहे हैं, ठीक है, चलिए। सेक्शन 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है सर, ये अजीब सा नाम, हाँ जी बिल्कुल अजीब सा नाम, काम भी इसका अजीब सा ही है, ठीक है। अभी तक आपने जो भी प्रोस्पेक्टस के थ्रू पढ़ा है, चीजें पढ़ी है, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। हाँ सर कैसे, तो पहले तो एक मॉडर्न कंसेप्ट है, ठीक है सर, मॉडर्न है, ठीक है, क्या है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस या फिर प्राइस डिस्कवरी मेथड के लिए, मतलब इसमें इसको इशू करने से पहले, हाँ यानी जो हम प्रोस्पेक्टस में क्वांटिटी ऑफ शेयर और प्राइस मेंशन करते हैं कि प्राइस ऑफ शेयर, हाँ इसमें ये दोनों चीजें मिसिंग होती हैं, ठीक है, अभी हमें नहीं पता हम इशू करने वाले हैं, ठीक है। ये सर इशू क्यों करते हैं, सर लेट्स से मेरी कंपनी एक सेगमेंट में काम करती है, उससे रिलेटेड सेम सेगमेंट में दूसरी कंपनी काम कर रही है और वो इशू लेके आ रही है, वो आईपीओ लेके आ रही है, और मेरे आईपीओ को आने में भी टाइम है, तो अब सारा पब्लिक पैसा उसी के आईपीओ पे ना लगा दे, मेरे लिए भी होना चाहिए पैसा, मेरी कंपनी में भी लगाए, हाँ मेरी कंपनी में ज्यादा लगाए, तो हम एक अनाउंसमेंट एडवर्टीजमेंट कर देते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जिसमें हम बता देते हैं कि जी देख लीजिए आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके है जी, बट हम भी शेयर इश्यू करने वाले हैं, ठीक है, सारी चीजें बता देंगे प्रोस्पेक्टस वाली, दो चीजें हटा के, ठीक है, क्या है वो, प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटम जिसे बोलेंगे, ठीक है, वो हम बाद में बता देंगे। हाँ तो ये कब तक इश्यू हो सकता है, हाँ ये जिस दिन हम ओपन लाने वाले हैं, पर ओपन इशू ओपन करने वाले हैं पब्लिक इशू, उससे 3 दिन पहले तक कर सकते हैं, हाँ उसके 3 दिन के अंदर अंदर ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, कह रहा है
कंसिस्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी बैंड दे देंगे हम, हाँ कि भाई इस बैंड में प्राइस रहने वाला है शेयर का, हाँ, और इतनी क्वांटिटी इश्यू होंगी, ठीक है। तो अब कितना बैंड होगा उनमें, लोअर एंड और अपर एंड, यानी अपर बैंड लोअर बैंड में कितना डिफरेंस होगा, कह रहे जो अपर बैंड होगा ना वो लोअर बैंड प्लस 20% हो सकता है, ठीक है। यानी 200 का प्राइस हमने लोअर बैंड में रखा तो अपर बैंड हो सकता है 240, तो प्राइस क्या होगा 200 से लेकर 240 तक रहेगा, सेम विद द क्वांटिटी, ठीक है। कंपनी प्रोस्पेक्टस किस किस को देगी, आरओसी, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज पर, ये कब देगी, आईनिक पर, देख लेते हैं इसका पूरा प्रोसेस। कह रहा है कंपनी एडवर्टाइज करेगी पब्लिक को, पब्लिक इश्यू के लिए, ठीक है, थ्रू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, पर ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कब तक इश्यू हो सकता है, एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू पब्लिक इश्यू, ठीक है। उसके बाद जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेंगे, हाँ, और एक पैसा आ जाएगा जितने की हमें उम्मीद है और क्वांटिटी अटेन हो जाएगी, ठीक है, कंपनी के पास, तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इश्यू कर देगी मेन, जिसमें सारी चीजें मेंशन कर देगी और वो इन तीनों को दे देगी, आरओसी को दे देगी, स्टॉक एक्सचेंजेस को दे देगी जिसपे वो लिस्ट करा रही है शेयर्स को, और सेबी को तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, सेक्शन 24 के अंदर इश्यू और अलॉटमेंट और ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो ये है सेक्शन 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। रेड हेरिंग पता है आपको, एक रेड हेरिंग फिश के ऊपर नाम पड़ा था, ठीक है, जब वो बेक होती है ना तो उसका कलर रेड हो जाता है, क्योंकि हाँ, तो वो बाद की चीजें के लिए था, तो ऐसा एक सिंपल सा थोड़ा सा जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चले आगे। चलिए, कह रहे एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड का मतलब होता है समरी प्रोस्पेक्टस, ठीक है। कह रहे समरी और कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस To be attached with every share application form, ठीक है। कह रहा इसका motive क्या होता है? Investor can read abridged prospectus, but not prospectus of 100 pages. एक main prospectus 100-150 pages से अच्छा है कि एक summary prospectus बना के दे दे, जिसमें सारा glance दे दिया गया है कि ये चीजें हैं, contain करता है एक prospectus, तो इसलिए। कह रहा not required for, किस चीज के लिए requirement नहीं होती abridged की, underwriting agreement और where security is not offered to public, ठीक है, वहाँ पे क्यों वैसे भी prospectus ही नहीं जाता, तो जहाँ पे prospectus की जरूरत नहीं है वहाँ पे abridged की जरूरत नहीं है। अगर कुछ डिफॉल्ट किया उसमें एवरेज में तो 50,000 रुपए की पेनल्टी, ठीक है, हर डिफॉल्ट के लिए कंपनी को। आई बात समझ में सेक्शन 33। तो अभी तक हमने डीम्ड पढ़ लिया, शेल्फ पढ़ लिया, रेड हेरिंग पढ़ लिया और एवरेज पढ़ लिया, आपने सारे प्रोस्पेक्टस के टाइप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, 25, 31, 32, 33, ठीक है, चले आगे। चलिए सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी, अगर आपने कुछ मिसस्टेटमेंट दी है प्रोस्पेक्टस में तो क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी। कह रहा है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स, अनट्रू, सस्प्रेशन, कुछ छुपा लिया है और ओमिशन कुछ रह गया है ऑफ रेलिवेंट और मटेरियल फैक्ट इंटेंशनली, अगर जानबूझ के आपने छुपाया तो सेक्शन 447 फ्रॉड की पेनल्टी बोलते हैं इसे, वो कितनी है वो मैं भी आपको बताऊंगा, लगेगी आपके ऊपर। आपके डिफेंस में क्या हो सकता है, अगर आप प्रूव कर दे हाँ कि वो फैक्ट रेलिवेंट नहीं, मटीरियल इमेटेरियल है, इसलिए हमने छोड़ा है जान करके, ठीक है, पहला। दूसरा, he had reasonable ground to believe that statement was untrue or omission was necessary, हाँ, उस वो आप प्रूव कर दे, ठीक है, आपके ऊपर डिफॉल्ट की पेनल्टी लगी और आप प्रूव कर दे कि भाई जो स्टेटमेंट हमने हटाई है, ओमिट की है, वो जरूरी नहीं थी और वो गलत थी, इसलिए ओमिट करनी हमें पड़ी, ठीक है, तो आप बच जाएंगे पेनल्टी से, समझ आई बात। सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी। सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी का भी है, हाँ, मिसस्टेटमेंट, कह रहा है मैंने पर्सन सब्सक्राइब शेयर और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, हाँ, उस इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से उस प्रोस्पेक्टस में एक पर्सन ने इश्यू कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए शेयर और उसको लॉस हो जाता है, तो पर्सन लाइबल, कौन कौन लाइबल होगा, कंपनी तो लाइबल होगी, डायरेक्टर है, प्रमोटर, एक्सपर्ट कंसेंट आई थी, हु ऑथोराइज द प्रोस्पेक्टस, सब लाइबल होंगे, ठीक है। कितना जाएगा, 447 की पेनल्टी लगेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा सेक्शन 36 में आपको। डिफेंस भाई कि डायरेक्टर was unaware and had not consented or withdraw consent before issue, डायरेक्टर अपने आप को बचा सकते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया है, ठीक है, हमने कंसेंट दी नहीं थी फिर भी इशू कर दिया, या हमने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली थी इशू से पहले फिर भी इशू कर दिया, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट एक्सपर्ट्स नहीं किया तो एक्सपर्ट लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड विच हैज डन और डिफ्रॉड पब्लिक, देन एवरी पर्सन पर्सनली लाइबल, हर पर्सन पर्सनली लाइबल होगा और उसमें 447 की पेनल्टी लगेगी, वो क्या है भी दिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको, ठीक है। चले आगे, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी 34, 35। चलिए 36 में क्या कह रहा है, पनिशमेंट फॉर इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्टमेंट, हम जबरदस्ती किसी को पैसा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हाँ, किस चीज के लिए, टू एक्वायर, डिस्पोज ऑफ, सब्सक्राइब और अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, हाँ, हम किसी को मजबूरन कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या तो एक्वायर कर ले सिक्योरिटीज, या बेच दे, या सब्सक्राइब कर ले, या अंडरराइट कर ले, ठीक है, गारंटी दे देते हैं अंडरराइटिंग में, आपको बताइए ना कि इतने शेयर्स तो आप लेंगे ही लेंगे, ठीक है, किस चीज के लिए, टू सिक्योर प्रॉफिट,
टू पार्टीज फ्रॉम यील्ड ऑफ सिक्योरिटीज, उसकी यील्ड से अर्निंग से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते हैं। देखिए इतने लोगों ने हमारे सब्सक्राइब कर लिया बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी जानबूझ के, हाँ तो 447 की पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर भाई। और 447 फ्रॉड की होती है, कितनी होती है बता दो ना सर, अभी बता देते हैं, बस अभी बताइए आपको, ठीक है। सेक्शन 37 क्या कह रहा है, कह रहा है एक्शंस बाय अफेक्टेड पर्सन, यानी क्लास एक्शन सूट। आपने कुछ लोगों के साथ वो फ्रॉड किया है, सत्यम स्कैम का नाम सुना है, हाँ आपने OMG मूवी देखी, ओ माय गॉड, हाँ तो उससे रिलेटेड सेक्शन 245 भी क्लास एक्शन सूट के लिए बात करेगा, आगे देखेंगे जब हम फाइनल में देखेंगे आप, ठीक है, CS वाले तो इसी बार देखेंगे, ठीक है। कह रहा है क्लास एक्शन सूट होता क्या, कह रहा है क्लास एक्शन सूट इज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट अ डिफेंडेंट हु हैज कॉज्ड कॉमन हार्म टू एंटायर पब्लिक, कोर्ट पे केस, लोगों का सबने नुकसान किया था OMG में, हाँ तो अब कांजीलाल मेहता जी ने सबको रिप्रेजेंट किया था सबके केसेस को, तो वो था क्लास एक्शन सूट, सब लोग ना इकट्ठे होके एक पर्सन सबके बिहाफ पे वो केस लड़ रहा है, अगर वो जीता तो सबको कंपनसेट कर दिया जाएगा जैसे हुआ था, ठीक है। कह रहा है ग्रुप ऑफ पीपल फाइलिंग केस नीड नॉट बी प्रेजेंट इन कोर्ट एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन पिटिशनर, एक पर्सन कांजीलाल मेहता। बेनिफिट क्या है, इफ सेवरल पीपल हैव बीन इंजर्ड बाय वन डिफेंडेंट ईच वन ऑफ इंजर्ड पीपल नीड नॉट फाइल ए केस सेपरेटली बट ऑल द पीपल कैन फाइल वन सिंगल केस टुगेदर अगेंस्ट डिफेंडेंट, सब अपने अलग अलग केस फाइल करें, अलग अलग वकील लें, हाँ लायर्स ले, लायर्स लॉयर्स सॉरी यार लॉयर्स ले, ठीक है, तो उस केस में समझ आ, इससे अच्छा है कि एक की को अपना बनाओ और उसी के थ्रू केस फाइल कराओ, खर्चे बचाओ। सत्यम स्कैम का एग्जाम्पल लिया मैंने, अपना देख लीजिए, ठीक है, समझ आया होगा 37 आपको, चले आगे, चलिए 38 परसोनेशन फॉर एक्विजिशन, परसोनेशन मतलब भेस बदलना, हाँ या फिर कुछ चीजें छुपाना, अपनी चीजें छुपा के ऐसा बताना कि ये आपकी रियल है, हाँ इम्परसोनेशन बोलते हैं भेस बदल कर, ठीक है, ऑफ सिक्योरिटी सुनिएगा, ए पर्सन मेक्स या तो खुद कर रहा है या किसी को सपोर्ट कर रहा है एबेट्स एप्लीकेशन इन फिक्टिशियस नेम किसी और के नाम पे, है मल्टीपल एप्लीकेशन विद डिफरेंट नेम बाय सेम पर्सन, मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल कर दी है, हाँ या इंड्यूस कंपनी, कंपनी को इंड्यूस कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि उसको अलॉट की जाए, रजिस्टर की जाए उसके नाम पे और उसके फिक्टिशियस नेम पे सिक्योरिटीज, ठीक है, तो सेक्शन 38 के लिए काम करेगा। तो डिसगॉर्जमेंट क्या होता है सुनेगा, टू रिलीज एवरीथिंग, जो आपने उससे लिए फायदे उसको सबको छोड़ दीजिए, कह रहा है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिसगॉर्जमेंट का ऑफ गेन, जो जो आपको गेन हुआ है इन चीजों की वजह से, ठीक है, जिस पर्सन को, और सीज कर लेंगे आपकी सारी सिक्योरिटीज और डिस्पोज कर देंगे या तो, और जो भी उसका अमाउंट होगा, हाँ वो IEPF, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाएगा, ठीक है, आपने देखे, आप देखेंगे इसको सेक्शन नंबर 125 में आगे चल के, हाँ और पेनल्टी लगेगी 447 की, सर फिर 447 पेनल्टी है क्या, आइए देख लेते, ये है पेनल्टी, कह रहा है आपको जेल हो जाएगी 6 महीने से लेकर 10 साल तक, हाँ बट अगर आपने जो काम किया उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, अब पब्लिक को ज्यादा आम हुआ, तो 6 महीने नहीं हो जाएगी 3 साल से 10 साल तक, यानी मिनिमम सजा 3 साल से मैक्सिमम 10 साल तक की, और पेनल्टी कितनी 3 times जितना अमाउंट इन्वॉल्व था उतने तक की पेनल्टी लग सकती है आपको, ठीक है, आई बात समझ में, 38 आपको समझ आ गया होगा, चले आगे, चलेगा। कह रहा 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, कह रहा है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन मनी हैज बीन पेड एंड रिसीव्ड बाय कंपनी, ठीक है, आप अलॉटमेंट तभी कर सकते हैं जब आपका एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आ चुकी होगी, पेड कर दिया गया होगा शेयर होल्डर्स के थ्रू और आपको रिसीव भी हो गई होगी, और वो कितनी होनी चाहिए, कह रहा है एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी लेस देन 5% और सच परसेंट और अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, 5% शेयर की होनी चाहिए टोटल शेयर जितना आप इशू कर रहे हैं इशूड कैपिटल की, 5% एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर और कोई परसेंटेज सेबी ने बता दिया या अमाउंट बताया तो वो, ठीक है, अदरवाइज 5%। कह रहा है मिनिमम अमाउंट नॉट सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव्ड, जो मिनिमम की बात कर रहे हैं वो आप सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर होल्डर ने और मनी आपको रिसीव नहीं हुई है, तो आप 30 days के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, तो अगर आपको ये 30 दिन के अंदर नहीं मिले हैं पैसे एप्लीकेशन मनी के, तो अगले 15 दिन में आप पैसे वापस कर दीजिए, ठीक है, समझ आया था, एप्लीकेशन मनी रिटर्न, ठीक है, चलिए जाओ। कह रहा है वेयर ए कंपनी मेक्स एन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अगर मिल गए हैं तो आप अलॉट कर रहे हैं, तो आप एक रिटर्न फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को कि हमने सिक्योरिटीज अलॉट कर दी गई है,
और डिफॉल्ट होता है तो 1,000 रुपये पर डे का आपको चार्ज लगेगा, ठीक है, और 1 लाख तक जा सकता है वो, विच एवर इज लेस, मैक्सिमम 1 लाख, ठीक है, समझ आई बात। सेक्शन 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, ठीक है, चलिएगा। कह रहा है सेक्शन 40 क्या है, कह रहा है सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्ट होंगे ना यार हम लोग। कह रहा है फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर शैल बिफोर मेकिंग सच ऑफर मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज को हम एप्लीकेशन देंगे और उनकी परमिशन लेंगे कि हम अपनी कंपनी की सिक्योरिटी आपके स्टॉक एक्सचेंज पे डील करना चाहते हैं, बस सिंपल सी बात। चले आगे, कह रहा है प्रोस्पेक्टस टू स्टेट नेम, प्रोस्पेक्टस जो आप इशू करेंगे उसमें नाम आएगा स्टॉक एक्सचेंज का जिससे आप डील करेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस शैल आल्सो स्टेट नेम एंड नेम्स, एक या एक से ज्यादा है तो दोनों सबके नाम डाल दीजिएगा जहां पे डील किए जाएंगे सिक्योरिटीज कंपनी के, ठीक है। कह रहा है टू मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट, एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करके चलना है। ऑल मनी इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से एप्लीकेशन मनी आया शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ स्केड्यूल बैंक, एक स्केड्यूल बैंक में आप सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाएंगे सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है, उसमें वो एप्लीकेशन मनी रख देंगे और वो यूटिलाइज होगी किसके लिए, फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आपको रिफंड करनी है तो वो रिफंड के लिए यूज होगी, बस समझ आई बात। चले आगे, सेक्शन 40 तक हमने कर लिया, दो सेक्शन बाकी है 41 और 42 और दोनों अच्छे सेक्शन, बहुत अच्छे सेक्शन। चले आगे, चलिए पहले एक बार समझ लेते हैं इसी को पूरा भी बाकी है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट होता है तो कंपनी के ऊपर 5 लाख से 50 लाख तक की पेनल्टी और ऑफिसर पे 1 साल तक की जेल, फाइन 50,000 से 3 लाख और बहुत, ठीक समझ आया। अच्छा आप कमीशन की बात कर रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटीज को पब्लिक तक ले जाने के लिए बीच में कोई इंटरमीडियरी है, अंडरराइटर रहा है, तो उनको कितना कमीशन दे सकते हैं आप। कह रहा है पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी ऑथराइज्ड बाय कंपनी इन एओए, कमीशन भी पेड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ इश्यू और प्रॉफिट ऑफ कंपनी और बोथ, प्रोसीड से भी आप कमीशन दे सकते हैं या प्रॉफिट से भी दे सकते हैं, दोनों से भी दे सकते हैं। और कितना दे सकते हैं, शेयर के केस में 5% से ज्यादा, शेयर प्राइस के 5% से ज्यादा का वो अमाउंट नहीं होना चाहिए या फिर आर्टिकल्स में कुछ और रेट लिखा हुआ है तो वो, विच एवर इज लेस, 5% और एओए में कुछ रेट ऑथराइज किया गया है तो विच एवर इज लेस, ये होगा शेयर्स के केस में। और अगर डिबेंचर्स है तो वही 5% का हो जाएगा 2.5%, तो मैक्सिमम 5% शेयर के केस में, मैक्सिमम 2.5% डिबेंचर के केस में, ठीक है, समझ आएगा। नीचे एक नोट लिखा हुआ, कह रहा है एनी कंडीशन परपर्टिंग टू रिक्वायर और बाइंड एनी एप्लीकेंट को बाइंड कर रहा है फॉर सिक्योरिटीज टू वेव कंप्लाइंस, आप कंप्लाइंस ना करें तो ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो वॉइड रहेगी, ठीक है, वेव कंप्लाइंस विद विद एनी रिक्वायरमेंट्स, हाँ तो आप कर रहे हैं ऐसा कुछ भी तो वो वॉइड है, ऐसा कंप्लाइंस आप किसी को पीछे नहीं करवा सकते, समझ आई बात पक्का। चले आगे, सेक्शन 41 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, सर ये क्या है, बहुत सुना है सर एडीआर जीडीआर के बारे में, सर होता क्या है, एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, दोनों सेम ही आता है, अदर कंट्रीज में हम इशू कर रहे हैं डिपॉजिटरी रिसीट तो वो ग्लोबल है, अमेरिका में कर रहे हैं तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, दोनों के लिए चीजें सेम है, अमेरिका वाले थोड़े कहते हैं जी हमारा अलग चलेगा तो हमारा अलग चलेगा, उनको वो फॉलो करा लेते हैं। सर क्या है, जैसे हम आप कोई कंपनी इंडियन पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करती है ना पैसा लेने के लिए, वैसे ही वो बाहर देश में भी कर सकती है बट वहां शेयर इशू नहीं होते, वहां पर डिपॉजिटरी रिसीट जिसे हम डीआर बोलेंगे वो इशू की जाती है, बस इतना सा डिफरेंस है, बस समझ लेते हैं इसको, लेट्स एग्जांपल के थ्रू। लेट से विप्रो है, ठीक है, ये इश्यू करना चाहती है डिपॉजिटरी रिसीट टू यूरोपियन कंट्रीज में, जीडीआर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कोई भी ले लेंगे, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, यूरोपियन पब्लिक को, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसमें ना दो बीच में इंटरमीडिएट आएंगे, एक आएगा जैसे मैं साइड में लिख रहा हूं यहां पे कस्टोडियन, इसकी कस्टडी में शेयर्स रहेंगे, एक होगा डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी वो होता है जो शेयर इश्यू करता है, जो सिक्योरिटीज इश्यू करता है बेसिकली, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये दो है, एक रहेगा हम इश्यूइंग कंपनी के देश में और एक जहां पे इश्यू हो रही है, जहां पे कंपनी है, इन दोनों में से एक रहेगा वहां पे और दूसरा जहां पे सिक्योरिटीज इश्यू हो रही है। तो डिपॉजिटरी इशू करता है, तो एक बात बताओ डिपॉजिटरी फिर कहां रहना चाहिए, कौन से देश में जहां पे पब्लिक को इशू किया जा रहा है, तो डिपॉजिटरी यहां रहेगा जिसे हम बोल सकते हैं ओवरसीज,
डिपॉजिटरी बैंकर। ठीक है, दूसरा कस्टोडियन वो यहां रहेगा, जैसे हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। सर इसका यूज क्या है? लेट्स से विप्रो को 2 लाख शेयर इशू करने हैं, टू लाख शेयर इशू करने हैं टू यूरोपियन पब्लिक। ठीक है, तो क्या करेगी ये शेयर? ठीक है, ये शेयर सीधा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को इश्यू कर देगी। फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है सर, इसको इश्यू करने का मतलब सुनिएगा, ये आपको पता है ना, एक इंडियन कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती इसको, तो एट द एंड उसको शेयर इश्यू करने हैं, तो वो शेयर इश्यू कर देगी डिपॉजिटरी बैंक ओवरसीज को, डिपॉजिटरी बैंक को, और उसको बोलेगी प्लीज आप पब्लिक को जीडीआर इशू कर दीजिए। वो कितने होंगे नंबर ऑफ अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, और जो ये शेयर इसके पास आया है, अब एक बात बताओ, शेयर बाहर नहीं जा सकते, तो वो वापस शेयर अपने कस्टडी में रखवा देगा डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को, ये ओवरसीज डिपॉजिटरी इसको शेयर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस है, बट एक्चुअली में पता क्या होता होगा, अब एक बात बताओ, ये डोमेस्टिक कस्टोडियन वहीं इंडिया में है, तो ये पहले वहां बाहर भेजे शेयर फिर यहां लाए, इससे अच्छा सीधा इसी को ना दे दे। ठीक है, बट नाम इसका आ जाएगा, इट्स ओके। ठीक है, तो ऐसा होता है कि पैसा जीडीआर यहां इश्यू हो जाएगा इसके थ्रू, ये जीडीआर कब होगा? जब कस्टोडियन के पास शेयर चले जाएंगे तो ये जीडीआर इश्यू आगे फॉरवर्ड कर देंगे, पब्लिक को पैसा ट्रेस कर लेंगे, पब्लिक से एडीआर इशू करके, जीडीआर इशू करके, एज द केस में भी। ठीक है सर, किस अब यहां पे 2 लाख शेयर हो गए हैं, तो यहां पे कितना होगा? चलो समझिएगा, लेट्स से विप्रो का इंडिया में शेयर प्राइस है ₹600। ठीक है, समझ आया? उस टाइम पे एक यूएस डॉलर है, हम यूएस डॉलर्स में बात कर रहे हैं, ₹60। ठीक है, और एक जीडीआर, हम पैसा कितना रेस करना चाहते हैं, शेयर प्राइस हम खुद बता रहे हैं ना, जैसे प्रोस्पेक्टस में बताते हैं, तो हम चाहते हैं कि ₹20, सॉरी ₹20 का एक जीडीआर हो। ठीक है, ₹20 का। ठीक है, तो कितने रुपए इंडियन करेंसी में हो जाएंगे? ₹1200 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, शेयर प्राइस है 600, एडीआर जीडीआर का प्राइस रहेगा 1200, तो एक जीडीआर 2 शेयर के इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या होगा? 1 लाख जीडीआर इश्यू हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये प्रोसेस होता है, चले समझिएगा। कह रहा डेफिनेशन, एन इंस्ट्रूमेंट इन फॉर्म ऑफ डीआर डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएटेड बाय अ फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया एंड ऑथराइज बाय एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी ने बोला था आपको, पार्टीज कौन कौन सी होंगी? इंडियन लिस्टेड कंपनी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक और फॉरेन इन्वेस्टर। पर्पस क्या है भाई? सेबी डू नॉट अलाउ टू इंडिया अलाउ टू इंडियन कंपनी टू इश्यू शेयर्स इन फॉरेन कंट्री, तो रेस फंड करना चाहते हैं आउटसाइड कंट्री में, व्हेन इंडियन कंपनी वांट्स टू गेट देयर शेयर लिस्टेड ऑन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, तो हम जीडीआर कर देते हैं। ये हो गया आपका प्रोसेस, प्लीज इसको बना लीजिएगा। कंडीशंस एंड अप्रोच क्या है? बीआर और एसआर पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास होगा, जनरल मीटिंग में ऐसा भी पास होगा। कह रहे अंडरलाइन शेयर्स शुड बी कैप्ट इन कस्टडी ऑफ ओडीबी। ओ बताइए ओडीबी का है? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, परमिशन फ्रॉम एमसी और एमओएफ, एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस होगी, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होगा। ठीक है, वो कौन कौन हो सकता है? सीए, मर्चेंट बैंकर ही हो सकता है, सीए सीए सीएस या कोस। ठीक है, कौन फुलफिल करेगा इनकी कॉस्ट? बोर्ड। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज परमिशन चाहिए होगी, सिंपल सी बात है, जो जो बातें की हमने भाई। कह रहा है अदर पॉइंट, डीआर इज लिस्टेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज और वहीं पे ट्रेड होगी। ठीक है, जैसे यूरोपियन में लग्जमबर्ग है, ठीक है वहां पे, जैसे आप यहाँ पे एनएससीबीएफसी है ना, वहां पे लग्जमबर्ग है। रूल 5, मैनर। मैनर क्या है? पब्लिक ऑफर ऑफ पीपी। ठीक है, पब्लिक ऑफर दिया जाएगा,
कि भाई हम इशू कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उनके लिए, यहाँ के लिए नहीं है, इंडियन में नहीं है ये, बाहर के लिए, ठीक है। डी आर कैन बी इशूड अगेंस्ट न्यू सिक्योरिटीज और एग्जिटिंग। मान लीजिए अब ये डिपोजिटरी रिसीट्स के लिए हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, हम नए भी कर सकते हैं और पुराने भी कर सकते हैं। पुराने को बाय बाय कर लिए जो इंडिया में इशू किए हुए थे, और उसके बदले हमने आगे फॉरवर्ड एडीआर जीडीआर इशू कर दिए। कर अंडरलाइन शेयर्स अलॉटेड टू उनको ओडीबी को, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, फर्दर अलॉट डीआर टू द फॉरेन इन्वेस्टर। भाई नेम, अब नाम किसका आएगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक एक का नाम आएगा? नहीं, ओडीबी का ही नाम आएगा मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ठीक है। चले आगे भाई, रूल 6 है, थोड़े छोटे देख लीजिएगा। डीआर होल्डर जो है वो मेंबर्स वोटिंग राइट मिलता है, तो उनके भी आप पे ओडीबी वोट करेगा, प्रोसीड्स इंडियन बैंक या इंडियन बैंकिंग अब्रॉड वहां पे रखी जाएगी, ठीक है। किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? रूल्स प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स डू नॉट अप्लाई टू डीआर। जो रूल्स लगते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज डिबेंचर्स शेयर्स के लिए, वो डीआर के लिए नहीं रहेंगे, और प्रोस्पेक्टस और नहीं माना जाता उसके डीआर ऑफर डॉक्यूमेंट को। बस ये है जीडीआर का कंसेप्ट 41 में। आई होप समझ आ गया होगा आपको। चले आगे, लास्ट सेक्शन इस लेक्चर का, चलिए, प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42, प्राइवेट प्लेसमेंट। कह रहा है क्या? कह रहा है, सुनिएगा डेफिनेशन। एवरी प्राइवेट कंपनी ऑफर और इनवाइट फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ऑफर कर रही है, इनवाइट कर रही है, मेंबर्स होते हैं उसके भी 200 मैक्सिमम हो सकते हैं उसके लिए, टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर विच सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ पीपी। वो क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। पीपी इज प्राइवेट प्लेसमेंट। रूल 14 क्या कहता है? एसआर चाहिए उसके लिए रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफर थ्रू पीपी, जितनी बार भी करेंगे उतने, एक साल में कितने कर सकते हैं वो भी अभी अगले देखते हैं। कह रहा है पासिंग ऑफ एसआर वंस फॉर ऑल द इशू इन ईयर फॉर इशूइंग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इज एन। अगर हम नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना चाहते हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, तो एक बार एसआर पास करा के हम काम चला सकते हैं पूरे साल के लिए, ठीक है। कह रहा है नोटिस ऑफ जीएम शैल इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शोइंग जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइस। किस प्राइस पे इशू कर रहे हैं उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन जाएगा नोटिस के साथ, ठीक है। ये देखिएगा कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक फाइनेंशियल ईयर में और एक सिक्योरिटी, हाँ, चाहे डिबेंचर्स है चाहे शेयर्स है, आप मैक्सिमम 200 लोगों को इशू कर सकते हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, और उसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या ईसोप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सर क्यूआईपी क्या होते हैं? ये नॉलेजेबल पर्सन होते हैं जो इन्वेस्टिंग ही में करते रहते हैं, जैसे हमारे सीए झुनझुनवाला साहब, ठीक है, वैसे कुछ उनकी कंपनी तो वैसा, ठीक है, और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ पर्सन टू होम द ऑफर हैज बीन मेड, ठीक है, वो आरओसी को 30 डेज में दे देंगे ऑफर लेटर से, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो होगा वो कैश में नहीं, चाहे डीडी से आना चाहिए, ठीक है। जो पैसा आएगा वो सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट शुड टेक प्लेस इन 60 डेज, ठीक है, 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। कब से? जब पैसा उनको रिसीव हो चुका है। अगर नहीं होती है तो 15 दिन में रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 61st डे से आपको इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम, यानी 15 दिन के बाद नहीं कर पाते, यानी 75th डे के बाद इंटरेस्ट लगना चालू होगा, पर होगा कब से? 61st डे से, ठीक है, 12% पर एनम, ठीक है, पर एनम, ठीक है। इफ एनी प्रीवियस ऑफर इज पेंडिंग, अगर आपने साल उसी साल एक प्रीवियस प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर किया है और वो अभी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप दूसरा ऑफर नहीं ला सकते, ठीक है। इसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, ठीक है, और अलॉटमेंट के बाद आरओसी को रिटर्न फाइल कर देनी है, ठीक है। अगर आपने इसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपको जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उस ऑफर में वो, या 2 करोड़ जो ज्यादा होगा उतने की पेनल्टी लग जाएगी। आई होप समझ आया होगा आपको 42 भी। तो सेक्शन 23 से 42 तक हमने किए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, समझने वाले सेक्शन, एक अच्छा खासा रिविजन हो गया होगा आपको जिसने पढ़ रखा होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा इसको पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा पढ़ने में, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी समझने में, ठीक है, थैंक यू। बट एक बार रुकिएगा, समझते हैं कुछ। कह रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आर यू वर्किंग हार्ड एनफ कि आप सीए बनेंगे टाइम पे, आप आईपीसीसी इंटर जिसे बोलते हैं आप, या एग्जीक्यूटिव सीएस क्लियर करेंगे ना? पक्की बात है तो प्लीज इतना काम जरूर कीजिए कि आप अपने से सेटिस्फाई हो जाए, अपने काम से सेटिस्फाई हो जाए, और आपको एक विश्वास रहे कि हाँ हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है, समझ आया? थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब। डेली बेसिस पे आपके लिए नए नए कंटेंट्स, नए नए वीडियोस, नए नए लेक्चर्स लेके मैं आता रहूंगा, ठीक है, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑब्वियसली आपको समझने में इजी रहेगा लोगों को।
तो रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, बाय बाय, सी यू।